नमस्कार दोस्तों जो शिक्षक साथी अपना बी एड कोर्स कंप्लीट करना चाहता है डिस्टेंस मोड से उनके लिए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ले, कोटा लेके आया है विज्ञप्ति देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन बी एड पाठ्यक्रम को जानेंगे दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर नए है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें जिससे शिक्षक पहले आपको सूचना मिल सके दोस्तों इसी तरह की भर्ती संबंधी एंट्रेंस एग्जाम संबंधी किसी भी शिक्षा विभाग संबंधी जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है अट्ठाईस फरवरी 2022 को जो सेवारत प्राइमरी शिक्षक से है वो दुरुस्त माध्यम से अपना बीएड कोर्स कंप्लीट करना चाहता है जो कि सेशन 2022 से 24 के मध्य उनके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं वो अपना आवेदन कर सकते हैं वो वी कोटा से अपना कोर्स बी का है जो पूरा कर सकते हैं पूर्ण रूप से डिस्टेंट मोड़ पर है दोस्तों आवेदन की प्रारंभ तिथि आठ मार्च और आवेदन की लास्ट तिथि है पच्चीस अप्रैल दो हज़ार बाईस और वो बाईस मई को होने की संभावना है जो नौ से बारह बजे के मध्य होता है संभावित तिथि है दोस्तों अन्य संबंधित जानकारी लिए आप वीएमओ की साइट पर जा सकते हैं जो कि वी की ऑफिशियल साइट है और वहाँ से विभिन्न का देख सकते हैं दोस्तों आवेदन पूर्ण रूप से ऑनलाइन है ऑफलाइन मोड पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे और आपको आवेदन करने से पहले ये विज्ञप्ति की जो विवरणिका है उसको अच्छी तरह पढ़ लेना है और आपका जो बी का प्रवेश परीक्षा है उसका एडमिट कार्ड है जो परीक्षा तिथि से एक सप्ताह पहले ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा और आपके एस एम पे मैसेज भी आ जाएगा मोबाइल नंबर पर जो आप आवेदन में फिलअप करोगे दोस्तों ये दो साल का कोर्स है जो कि सेवारत शिक्षक ही ये कोर्स कंप्लीट कर सकता है देखते हैं क्या है योग्यता योग्यता के अंदर सबसे पहले राजकीय विद्यालय या गैर राज्य के निजी विद्यालय है मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा एक से पाँच या एक से आठ तक अध्यापन कराने वाले अध्यापक होने चाहिए वर्तमान में सेवारत होना चाहिए जो निजी या गवर्नमेंट स्कूल में हो सकता है उसके बाद में नियमित रूप से बी की या डी की एड होनी चाहिए आपके पास में या समकक्ष जो भी शिक्षण संबंधी प्रशिक्षण कोर्स चलते हैं प्राइमरी शिक्षक के वो आपका एन द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए और वो उत्तीर्ण होना चाहिए उसके बाद में आपको स्नातक या स्नातकोत्तर लेवल का परीक्षा सामान्य जो वर्ग का है उसको फिफ्टी परसेंट तक लेना है जैसे बी ए या एम ए का है और बी टेक या अन्य सामान्य वर्ग है तो उनको पचपन परसेंटेज है और एस सी एस टी ओ बी सी के लिए पाँच परसेंटेज की छूट है यानी पैंतालीस परसेंटेज वाला बी ए में परसेंटेज पैंतालीस वाला भी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकता है दोस्तों वीमो द्वारा पाँच स्टूडेंटों को एक साल में कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है जो कि एंट्रेंस एग्जाम है इसमें पाँच सौ लोगों को सिलेक्टेड किया जाएगा इसके लिए आरक्षण नीति भी है जो आरक्षण नियम अनुसार दिया जाएगा जो राजस्थान सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा नियम उसके अनुसार आपको बीएड की प्रवेश शुल्क है जो एक हज़ार रुपये ई मित्र या नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करवाना है शिक्षक साथियों का क्वेश्चन रहता है कि उनको दो साल न्यूनतम कंप्लीट होने चाहिए ऐसा कोई नहीं है अभी नोटिफिकेशन है देख सकते हैं आप दोस्तों शिक्षण अनुभव की जो न्यूनतम बाध्यता है दो साल की वो नहीं हटा दी गई है और अभी जो वर्तमान में शिक्षक के पोस्ट पर होना चाहिए और बी एड कोर्स आपका कंप्लीट होता है तब तक आपको शिक्षक के रूप में रहना पड़ेगा तभी आपका कम्प्लीट कोर्स गिना जाएगा आप इससे संबंधित किसी भी क्यूरी के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं वहाँ संपर्क कर सकते हैं मेल भी है वहाँ मेल भी भेज सकते हैं